हेलो इंडिया, नमस्ते इंदौर। हरी भाई, इंदौरी की पहली इंटरनेशनल ट्रिप लग रही है और हम अभी जो है ना इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके नेपाली 500 रुपीस और इंडियन 300 रुपीस। तो हमने एक दिन के लिए क्या आज निकल जाएंगे पशुपति से, वहाँ तक वहीं से बाहर निकल जाएंगे। तो बहुत ही यार ऐसा लग रहा है कि हम फॉरेन में आ गए हैं। देखो यार, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट एनी कोई चेकिंग वेकिंग कुछ भी नहीं है। चलो, ये बॉर्डर है भैया, बॉर्डर। ये जो ये कार की परमिट हमको मिल गई, तो अभी हम चलते हैं नेपाल। कहाँ जाएंगे हम? नेपाल। तो नेपाल हम सिर्फ 5-6 घंटे के लिए जा रहे हैं और वहीं से हमको दार्जिलिंग, पता नहीं क्या क्या नाम है यहाँ के, तो वहाँ से जो है ना पहाड़ी इलाका हमारा शुरू हो जाएगा, तो हम वहीं से कवर कर लेंगे। ये जो है ना, ये हमारी एंट्री तो नेपाल में हो चुकी है। ये परफेक्ट एंट्री जो है ना, ये दिखाने के बाद हम पूरी हो जाएंगे, ये पूरी चेकिंग। ये हमारी एंट्री नेपाल में हो गई। हेलो इंडिया, नमस्ते इंदौर। हरी भाई, इंदौरी की पहली इंटरनेशनल ट्रिप लग रही है और हम अभी जो है ना इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके और सीधे आ गए हैं हम इंटरनेशनल नेपाल। क्या बात है, नेपाल पहुंच गए। अब जो है ना हम नेपाल की गाड़ियां, नेपाल की कार वगैरह, पेट्रोल पंप ये वो सब नेपाली दिखेगा आपको, और यहाँ की लड़कियां ये वो सब आपको जो है ना नेपाली दिखेंगे, लोग भी नेपाली दिखेंगे आपको। अब ये देखो, अपन आ गए नेपाल। अभी जो है ना हम नेपाली हो गए, खाचा हो गए, खाचा हसो छिका छू। अब हम जो है ना इंडिया में नहीं, हम अभी नेपाल में। चलो भाई, तो यहाँ पे एंट्री करा के, तो ये जो है ना पता नहीं चेकिंग क्या, पूरा नेपाली में लिखा हुआ है, ये नेपाल है। तो हम जो है ना नेपाल की हसीन वादियों में आ गए हैं। ओशो डिवाइन डोर्स, ये ओशो का है। ये मौसम देखो, क्या मौसम है यार। हमारे साथ में बोल रहा हूँ एक दिन स्टे करो यहाँ पे, बोले नहीं क्या स्टे करके करेंगे। यार ये मौसम तो देखो, कितना लाजवाब मौसम है यार। इस मौसम में यहाँ पे स्टे नहीं करे तो कहाँ करें यार, बताओ कहाँ स्टे करना चाहिए आप बताओ मुझे, आप बताओ। अब देखो ये बादल ही बादल, फोग ही फोग पूरा। सच में यार, मतलब बच्चों को तो लेके आऊंगा जिया सक्षम, और अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को लेके आऊंगा इधर में बिल्कुल। स्वर्ग, नेपाल का स्वर्ग। कुछ लोग बोले थे नेपाल में कुछ भी नहीं है, क्या है, क्यों आए हैं यहाँ पे कुछ लोग, मतलब ये और बॉर्डर क्रॉस करी, क्या है यहाँ पे, कुछ भी तो नहीं है, भूटान अच्छा है, बताओ। अब इनको दिखाएं हम यहाँ पे, ये क्या नेपाल है, देखो खूबसूरत नेपाल। कैसा लगा सर आपको नेपाल यहाँ पे? अच्छा लगा। और रोशन जी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, अभी अभी अपन एंटर हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा है। तो हम प्लानिंग करेंगे आज की स्टे की, यहाँ पे स्टे करेंगे या यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके ही स्टे कर लेंगे। देखो बहुत अच्छा रहा। अभी हम एंट्री कर रहे हैं स्वर्ग में, ये स्वर्ग लोग। फोग है यहाँ पे यार, मतलब क्या बात है यार। यहाँ से हमको गाड़ी स्लो चलानी पड़ेगी। ओके, ये देखो ये फोग चालू कर दिया, फोग लाइट। तो ये नेपाल की
सब्जी मंडी, ये मिर्च है लाल मिर्च, ये हरी मिर्च। कैसे हो? 200। ये क्या है? ये क्या है? सब्जी है। आया, इसको लौकी बोलते हैं? ककड़ी है ये, खीरा। अरे वाह, नेपालियों के पास तो बहुत बड़ा खीरा है, हम हिंदुस्तान। ये तो आधा है। अच्छा, आधा है, बड़ा बड़ा होता है। अच्छा, ये क्या है? ये क्या होता है? ये दूध से बना हुआ है, सुरभी। अच्छा, सुरभी दूध का बना हुआ। हम आ गए हैं कन्यम नेपाल में। तो बहुत ही तेज बारिश हो रही है, आप देख रहे होंगे मैं गीला हो रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ रुकना पड़ा मुझे। देखो कन्यम मौसम, देखो यार, मतलब धांसू मौसम है, धांसू यार। ये देखो, लग रहा है बादलों में हम घूम रहे हैं। ये हमारा फ्रेंड रोशन। हाय हरि भाई, इंदौरी का आपको नमस्कार। और कैसे हो सर? और आपका नेपाल का फर्स्ट ट्रिप कैसा रहा? हमारा इंटरनेशनल पहली हमारी ट्रिप है, और बहुत ही शानदार, मतलब शानदार। कन्यम जो है ना, हमको खुश कर दिया वो हमारा सुजल। देखो, ओ सुजल भाई, इंदौरी को सलाम। सुजल भाई, कैसा लगा आपको? मस्त लगा। हाँ, क्या कर रहा है ये? किसकी? कन्यम की वीडियो बना रहा है। हाँ यार, मतलब बोलते हैं ना, मोर नाचता है, तो वैसे ही हमारी नाचने की मन कर रहा है। चलो नाच ही लेते हैं। ले बगैर इधर आ, रोशन आ जा, नाचते हैं अपन। बिना इधर आ, ये ले बिना गाने के। पूरा हम जो है ना, कम से कम 5 से 7 किलोमीटर आए हैं, पूरा फोग में ही है। तो स्लो स्लो गाड़ी चल रही है, देखो सामने से उसकी हेडलाइट चालू है, दूर से बाइक लग रही है, यहाँ बाइक आ रही है। तो पीछे देख रहे ना, बाइक आ रही है फोग में, पूरा फोग में। हम क्या, हम भी वहाँ जो रुके थे ना, जहाँ अपन ने चिकन विकन खाया था, तो उसने हमको बताया कि आप यहाँ जाओ, तो इसलिए फ़ायदा हो जाता है लोकलों से बात करने में। वो खुद नेपाली थे सब, मतलब क्या क्या आपको बताऊं यहाँ की यार फीलिंग्स, क्या क्या बताऊं, बहुत मजा आ गया। हरि भाई इंदौरी का आपको नमस्कार। हरि भाई इंदौरी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तो आपको ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाएंगे हरि भाई। देखा,
पूरा फोग ही फोग है, पूरा फोग, जहाँ देखो पूरा फोग है। तो हरी भाई इंदौरी को सब्सक्राइब करो, उसको आगे बढ़ाओ, उसके चैनल को ग्रो करो, वो आपके हाथ में है। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं नाचूं, आज मैं गाऊं, क्या बात है यार, मज़ा आ गया। नेटवर्क नहीं है, नहीं तो मैं आपको लाइव भी दिखाता ये सीन, बहुत शानदार है यार, बहुत शानदार, पूरा हो गया। देखो गाड़ियाँ आ रही है, देखो हरी भाई इंदौरी को सब्सक्राइब जरूर करना। नेपाल में बियर बूची 1% गोरखा एक्स्ट्रा 170 की, मतलब 100 रुपीज़ की, इंडियन 100 रुपीज़ है ना। और वोडका कौन सी, गोल्ड होते ये।갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. 무뎌져버린 내 가슴이
계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy yeah. I'm going 또 아비 हम जा रहे हैं कुछ बुद्धिस्ट का है लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि तीन चार मुस्लिम हैं दाढ़ी वाले वो ऊपर क्यों जा रहे हैं यार समझ में नहीं आ रहा है चलो ऊपर चल के बात करते हैं उनसे तो थोड़ा सा रहता है ना यार ये बुद्ध प्रस्थी तो है नहीं तो यहाँ क्यों जा रहे हैं थोड़ी से बात करेंगे अपन थोड़ी सी उंगली थोड़ी सी समझ रहे थोड़ी सी उंगली करनी ज़रूरी है ये हमें तबलीगी भाई मिल गए मैंने इनके लिए नीचे से कुछ बोला था ना तो अभी वो बात हो गई हमारी पूरी अच्छा, मैंने नीचे बोला देखो ये मुस्लिम ऊपर आए हैं तो इनको मनाइए बुद्ध परस्ती की लेकिन फिर भी क्यों आए हैं वो इनसे जाके पूछेंगे तो इन्होंने बता दिया कि हम घूमने आए हैं तो देखो चलता है सब चलता है यूट्यूब चैनल हाँ हरी भाई इंदौरी दार्जिलिंग में बोल रहे हैं बहुत ठंड है लेकिन हमारे पास ठंड के कपड़े नहीं है तो ले लेंगे लेंगे नहीं तो ठंड में मर जाएंगे और मरेंगे तो सही नहीं क्योंकि आप लोग हमारे साथ में हो यार रुकना चाहिए था यहाँ पे यार लेकिन क्या हमारे पास समय कम है क्योंकि मेरे घर पे मेरे को अल्टीमेटम दे दिया है तो इतनी तारीख को आपको 12 बजे तक पहुँचना है तो एक दिन तो लेट कर सकता हूँ लेकिन उससे ज़्यादा नहीं तो अभी हम जाएंगे सीधे दार्जिलिंग तो वहाँ से सीधे हम दो चार पॉइंट घूम के सीधे वापस वाराणसी में रुक के सीधे इंदौर भोपाल इंदौर हमारी एक दिन आधे दिन की ट्रिप नेपाल की हो गई और घूम के यहाँ आ गए हम तो ये पीछे इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है तो अभी हम जा रहे हैं दार्जिलिंग ये है देखो नेपाल देखो हमने आधे मतलब 4 घंटे में नेपाल की ट्रिप कर ली हमने तो बहुत मज़ा आया थोड़े से में तो बहुत शानदार था थोड़े में हम बहुत कुछ समझ गए तो इस नेपाल की ट्रिप को हम यहीं एंड करते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये